मुख्यालय स्थित डीआरडीए रचना भवन में बीते 22 मई को संचालित सरपंच, उपसरपंच एवं न्याय मित्रों के लिए आयोजित प्रशिक्षण शिविर संपन्न किया गया, जिसमें जिले के सभी ग्राम कचहरी के सभी नवनिर्वाचित सरपंच, उपसरपंच, कचहरी सचिव और न्याय मित्र का दो दिवसीय 11 प्रारंभिक प्रशिक्षण शिविर लगाकर चरणबद्ध तरीके से दिया गया। प्रशिक्षण की सारी व्यवस्था और अनुश्रवण जिला पंचायत संसाधन केंद्र किशनगंज के नोडल पदाधिकारी मनीष कुमार स्वर्ण द्वारा किया गया। वहीं प्रशिक्षण के रूप में न्यायाधीश ओम प्रकाश सिंह ने सभी प्रशिक्षण प्रतिनिधियों और ग्राम कचहरी में नियम व कानून के अनुरूप बेहतर न्याय व्यवस्था लागू करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने को लेकर जानकारी दिया। क्या प्रोग्राम चल रहा था यहाँ पे सर आपका? यहाँ पे जितने भी किशनगंज जिला के सरपंच, उप सरपंच, कचहरी सचिव और न्याय मित्र है, कुल 417 लोग हैं जिनका प्रशिक्षण पंचायती राज विभाग के द्वारा आयोजित की गई थी, जो कि 22 मई से स्टार्ट हुआ है और आज अंतिम दिन है 8वां बैच का। प्रत्येक बैच 2 दिनों का होता है, 2 दिवसीय प्रशिक्षण है ये, तो आज ये समापन की ओर है। समापन हो गई ना जी। क्या क्या लोग मुख्य रूप से क्या सिखाया गया आप सरपंचों को? इसमें मुख्य रूप से सरपंच लोगों को, उप सरपंच लोगों को, जो भी ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधि, उनको बताया गया कि उनके जो कार्य और दायित्व हैं उनको स्पष्ट किया गया, क्योंकि अभी भी फील्ड वेरिफिकेशन के दौरान या फील्ड विजिट के दौरान यहाँ किशनगंज जिले में कुल 16 दिन का ग्राम पंचायतों के सरपंच, उप सरपंच, सचिव और न्याय मित्र के प्रशिक्षण का कार्य चल रहा था। आज आखिरी दिन है और इस बैच का भी प्रशिक्षण पूरा हो गया है। अब जो पढ़ाया गया है उसी के संबंध में अभी परीक्षा चल रही है। पंचायत राज अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमावली के प्राविधानों से अवगत कराया गया है, उसका प्रशिक्षण दिया गया है और ग्राम कचहरी में क्या कार्य कैसे करना है क्रियात्मक पक्ष का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है।